है गाइस, इस तरह के रील्स जो है इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, तो ये एडिटिंग मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एडिटिंग किया जाएगा। ये मैंने बहुत रिसर्च किया बट मुझे कहीं भी नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं कि कैसे किया जाता है। बट मैंने ढूंढते ढूंढते ये खोज ही लिया कि इसका एडिटिंग कैसे किया जाता है, वो भी काइन मास्टर से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका एडिटिंग कैसे किया जाता है काइन मास्टर से। तो यहाँ हम काइन मास्टर पर जाते हैं। काइन मास्टर पर जाने के बाद यहाँ हर एक टूल, हर एक इफेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन को मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर खुल चुका है और अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब मैंने अपने YouTube चैनल पर बता दिया है, इसका ये सब मैंने बता दिया है और ये मैंने डिलीट भी कर दिया है। तो ये सब मैंने बता दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। नहीं तो अभी तो मैं क्रिएट न्यू, मैं नया बता रहा हूँ ये हार्ड ब्लर वाला। तो सिंपली आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ 916 पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक फ़ोटो लेना है। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे मेरा फ़ोटो है कैमरा में, तो ये फ़ोटो है जो मैंने क्लिक किया है अपने फ़ोन से। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, मुझे जो है एक ही फ़ोटो में मतलब दो लगाना है, मतलब कि हम दूसरा फ़ोटो यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको दूसरा फ़ोटो मतलब कि इससे ब्लर, हार्ड ब्लर और करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा इसको, और भी बैकग्राउंड को ब्लर करने का। तो ये मैंने सिंपली मोबाइल से रियल क्लिक किया है, इसमें कोई भी एडिटिंग अभी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आप स्टार्टिंग में देखे थे वो ऐसा था। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इसको कर लीजिए डुप्लीकेट, यहाँ से डुप्लीकेट, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ कलर फिल्टर पे आइए, और कलर फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा मोनो। मोनो में यहाँ बहुत सारा इफेक्ट है, आप किस तरह का देना चाहते हैं इसको, जो है दूसरा कलर मतलब इसका डाइमेज, इसका कलर जो है वो डाइमेज कर दीजिए एकदम, जो ख़राब दिखे। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ये ख़राब भी दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा है। अब आपको क्या करना है, ये प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चले जाना है 3D के सबसे नीचे है ऑप्शन वाइप, इस वाइप पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिलेगा लाइन वाइप का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कर लेना है आपको डाउनलोड। तो यहाँ पे लाइन वाइप ये रहा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आना है और यहाँ पर लाइन वाइप का आ जाएगा इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आपने इसी तरह से इंस्टाग्राम में देखा होगा जो काफ़ी मस्त रहता है। इसका स्पीड आप कर सकते हैं 3.5 से 4 के आसपास, 3.5 तक मस्त रहता है और मैं ज़्यादातर 4 तक यूज करता हूँ। ये देखिए ये मस्त है और 7 नंबर वाला सबसे ज़्यादा मस्त है, 7-8 इस तरह से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट वाला यूज़ करके बड़ा करके आपको मैं काइन मास्टर में लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये काफ़ी मस्त है और इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है ये आपको बता दे रहा हूँ, और कैसे अपलोड करना है जिससे आपका इंस्टाग्राम रील वायरल हो जाए वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसको शेयर, यहाँ शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसका बिट रेट जो है 23 से 25 के आसपास रखिए, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो है इसलिए 23 से 25 के आसपास रखिए। अगर आपका लॉन्ग वीडियो रहेगा तो 15 से 20 के आसपास रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये 15 MB का बन रहा है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। और इसे एक्सपोर्ट होने तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बताते हैं इंस्टाग्राम पर कैसे अपलोड करना है। इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए वहाँ आपको जाना है, और वहाँ जाने के बाद आपको रील पर क्लिक करके अपना वीडियो सेलेक्ट करना है, और वहाँ से ऐसा म्यूज़िक लेना है जो ट्रेंडिंग और सबसे फास्ट हो, उस म्यूज़िक को लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अपना कैप्शन और कवर दोनों लगाना है, कवर उसमें ऐड कर दीजिएगा और कैप्शन में लिखना है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर लिख देना है। वहाँ पे लिखना है हैच द नॉन टेक, उसके बाद लिखना है एट द रेट द नॉन टेक। आप मेरा हैशटैग और मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे वीडियो को देख करके आप इस वीडियो को बनाए हैं और आपने मुझे टैग किया है। तो इस तरह से जो है आपको करने से आपका वीडियो जो है वायरल हो जाएगा, और मेरा भी काफ़ी सारा रील है जो वायरल हुआ है, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने भी अपलोड किया है बहुत सारा। तो आज का जो ये एडिटिंग है आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 5:30 बजे। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।